शौचालय से बड़ा पाप। अच्छा एक चीज समझिए राजेश जी, प्रकृति की माया देखिए। सूरदास जी आप भी ध्यान से सुनिए जी। भगवान ने सारी प्राणियों को आड़ा बनाया ना, गाय भैंस सिंह, सिर्फ मनुष्य को खड़ा बनाया, लेकिन उल्टा हो गया। जो आड़ा है वो किसी को आड़ा नहीं आता, जो सीधा है वही धर्म में आड़ा आता है, इसका विरोध करना ही चाहिए, है ना। भगवान ने गाय को आड़ा बनाया, परमार्थ के काम आती है जी। गऊ के गोबर के बिना गणेश नहीं बनेंगे, गाय के दुग्ध से हमको ताकत मिलती है, गाय के अंदर 36-33 करोड़ देवताओं का वास है। एक बार विदेशी ने पूछा कि भारत में गऊ की पूजा क्यों होती है, इंडियन लोग गाय को माँ क्यों कहते हैं, गंगा को माँ क्यों कहते हैं। दिस रिसर्चर आल्सो यू कैन ट्राई, क्या इसमें जिज्ञासु था मीमांसु था, ठीक है। अब वो एक गाय पालता है अपने घर पे और गंगा का जल भी ले जाता है, और गौ माता को हमारे रोज स्लो पॉइजन देता है। गौ माता को रोज स्लो पॉइजन देता है और रोज उसका गोझरण पंचगव्य और दूध इसको लैब में चेक करता है। 40 दिन निरंतर हो गया उसको ये करते हुए। गौ माता जीर्ण शीर्ण हो गई, शरीर नीला पड़ गया, जर्जर हो गई, चमड़ी निकल गई, लेकिन मेरे भाई बहन दूध में पॉइजन का अंश नहीं मिला। कि भारत की माता है जो खुद जहर भले ही पी ले लेकिन अपने बच्चों को जहर नहीं देने देती, इसलिए भारत में गौ माता की पूजा होती है। गंगा का जल रखा, ब्राजील का भी जल रखा, देखा उसने एक टाइम लिमिट के बाद ब्राजील के पानी में कीड़े आ गए। ब्राजील का जो पानी था उसमें कीड़े जनरेट हो गए, लेकिन गंगा मैया का जल वैसे ही निर्मल बना रहा। अब उसने एक और ट्राई किया कि भाई ठीक है, ये रीजन हो सकता है वेदर चेंजिंग का हो सकता है, या बॉटल्स अलग होंगे, या हमारे वास्पोस सर्जन विधि में कोई प्रॉब्लम्स होगा। अब उसने क्या किया, ब्राजील के पानी में जो कीड़े थे उन्हें निकालकर गंगा के जल में डाला और देखते देखते सारे कीड़े मरे ही नहीं, पानी में लुप्त हो गए। ये गंगा की ताकत है, यही भाव है कि अगर एक गंगा में अस्थि डाली जाए तो पानी बनकर विसर्जित हो। ये क्षमता हमारी गौ में है, हमारी गंगा में है, हमारी गायत्री में है। और लोग कहते हैं ना इंडिया इज गोल्ड बर्ड, सोने की चिड़िया है। इंडिया सोने की चिड़िया इसलिए नहीं है कि यहाँ वैभव है, इंडिया को सोने की चिड़िया यही कही गई है क्योंकि जितने भी अवतार हुए ब्राजील अमेरिका थाईलैंड में एक नहीं हुए, सारे भारत में ही होते आए और भारत में ही होते रहे। भारत की माताओं में वो शक्ति है जो अपने पुत्रों को दे देती है धर्म जागरण के लिए। अस्तु, गौ सेवा घर के अंदर होनी चाहिए। गाय दरवाजे पे रहती है तो आपको पता है या नहीं पता है शेखावत जी, तो ध्यान देंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हमारी गौ माँ 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है। दरवाजे पर अगर रखोगे तो आपके घर में बैक्टीरिया नहीं होंगे, निगेटिव एनर्जीज नहीं होंगे। लेकिन 8,000 का बुलडॉग पालते हैं, 50,000 का टोनी पालते हैं, 10,000 की गाय नहीं पाल सकते, कितना बड़ा दुर्देव।
हम गाय नहीं पाल सकते और कथा सुनेंगे भागवत क्या। गौ धन विद अस्तु गोविंद, जो मर्मज्ञ थे हमारी गैया हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करती है, जिसको संशय हो मुझसे आकर मिले। आपको कैंसर है गोझरण से दूर हो जाएगा, आपको आर्थराइटिस है गोझरण से दूर हो जाएगा, आपको संतान नहीं होती गाय का मक्खन खाओ, गाय का ही दूध पियो, गोझरण का सेवन करो, पुत्र जीवक शिवलिंगी गिरी और गांजे का बीज, गर्भवती होने के बाद 15 दिन से 4 महीने तक निरंतर लें, आपको संतान होगा होगा होगा, ये ब्रह्मवाक्य। यहां तक लिकोडर्मा कुष्ठ रोग जिनको है कुछ भी मत करो, पंचगव्य का अर्क निकालो, स्नान के पानी में गोमूत्र डालो, गाय का मक्खन गाय का घी गाय का दूध पियो, अपने आप लिकोडर्मा चला जाएगा। हम करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका भान नहीं है। हमारे कन्हैया जी को भान था, इसलिए कन्हैया जी पहले बक्षपाल बछड़ों के पीछे जाते थे, फिर बाद में गोपाल, उसके बाद गोविंद हुए। तो श्रीमद् भागवत कथा में आना है तो जीवन में इसे उतारना है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े आदमी की बात करूंगा, बहुत बड़ा, जिसने उत्तर भारतीयों के विरोध में महाराष्ट्रियों को खड़ा कर दिया। हमारे भैया बैठे राइट हैंड, लेकिन उसने लोगों का बुरा किया खूब के, उसके बेटे को हो गया कैंसर। अब महाशय जी थोड़े ताम झाम से लगाया फोन हमको, बोले स्वामी जी कैंसर हो गया। मैंने वो बड़े बाबा बुला ले, ये घर आले वाले बाबा नहीं है, तुझे तो फकीर के कुटिया पे आना पड़ेगा। बड़े बाबा गए, बड़े बाबा ने काम किया, पता लगा बड़े बाबा को भी गले में कैंसर है। नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैं जिस व्यक्ति का नाम रहा हूं विश्व स्तर पे, जिसके नाम पे दुनिया बिक रही है, उसके गले में कैंसर। फोन आता है, अरे स्वामी जी देखना कैंसर है। मैंने कहा वेदों का पठन छोड़ दिया, आज रो रहा है वेदना है, और अगर वेदना खत्म करना है तो वेदों को जीवन में उतार ले, वेदना जीवन में नहीं होगी। तो गौ बहुत उपयोगी है हमारे लिए। अगर जिसको यकीन नहीं आता हो, आप एक फार्मूला नोट कर लेना, प्रयोग करके देख लेना, क्योंकि यहां प्रामाणिकता है। जिनके पास संधिवात 50 साल से भी ना ठीक हुआ हो, आर्थराइटिस, नोट कर लीजिए, आप लोगों के काम आएगा। 200 मिलीलीटर गोझरण लिया जाए, 100 ग्राम हरण, 100 ग्राम बहेड़ा, हरा बहेड़ा और आंवला, ये तीनों मिला दिया जाए, 50 उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाए, और उसमें 50 तुलसी पत्ते डालने के बाद 20 ग्राम हल्दी डाल दिया जाए, छांव में आप उसे सुखाइए, सूख जाएगा वो पूरा पानी, उसके अंदर आ जाएगा गोझरण का सत्व, उसका पाउडर बनाइए, कपड़े से छानिए, एक चम्मच सुबह और शाम लेना, किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। 90 दिन के बाद जन्म जन्मांतर के लिए संधिवात दूर हो जाएगा, कभी किसी की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ बुलडॉग भारी या गौ माता। बताया था ना परसों, मेरा एक चेला बोला गुरुजी कैसे समझूं कि शहर आ गया। हमने कहा जब बेटा पैदल चले और कुत्ता गोद में हो तो समझ लो शहर आ गया।
छोटा बच्चा जो तुम्हारा आज जमाना इतना बुरा आ गया शेखावत जी कि हम अपने बच्चे को केयर टेकर के पास छोड़ने जाते हैं। हा? मैडम बोलती है जा रहे हो आप देख लो आपका कुछ रह तो नहीं गया हा? जैसे मोबाइल गाड़ी की चाबी ये वो हम उसे लेकर चलते नहीं नहीं सब ले लिया। अरे प्राण का प्यारा अपना अस्तित्व तो वहीं छोड़ के आ रहे हो जरा उस पर भी नजर मार लो। कहने का अभिप्राय है कि हम भारतीय हैं भारतीय संस्कृति से विमुख होना हमारे लिए सौ के जैसे जीना है जिंदा लाश के समान जीना है। अगर हमें भारत में रहना है और वर्चस्व बनाना है दैहिक दैविक आर्थिक मानसिक आदि भौतिक सारे सुखों को पाना है तो सर्वप्रथम हमें संस्कार लाना होगा। गौ गंगा गुरु गायत्री गीता को मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते मैं नहीं मानता राम को, कई जगह आ जाता है तर्क क्योंकि सगुण और निर्गुण दो उपासना है। कुछ आर्य पद्धति के लोग होते हैं तो कहते हम नहीं मानते राम को। मुजफ्फरनगर साइड में मैं रहता था उस समय शिक्षा पूरी हुई थी शास्त्री कर चुका था और साहित्य रत्न के मेरे परीक्षाएं चल रही थी। आयुर्वेद रत्न के बाद साहित्य रत्न की मैंने 8 भाषाओं में पाली बंगाली ऐसे कई भाषाओं में वहां के जो लोग आए बोले महाराज जी ये मंदिर पूजा ये वो मिथ्यावाद है। मैंने कहा ठीक है मैं स्वीकृत करता हूं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं उसका प्रमाण दे देना। मैंने कहा मैं मान्य करता हूं इस मंदिर को आप लोगों ने निर्माण किया लेकिन एक बार मुझे प्रमाणिकता से ये चीज स्थापित कर दीजिए कि आपको जिसने पैदा किया वो कौन है। हम आभास नहीं करते हम मान नहीं सकते परमात्मा कौन है। कहा गया महाराज हुस इज बीन हवा को आपने देखा किसी ने देखा बट आर यू फील आवाज करते हैं कि हवा है। पवन का वेग तीव्र है या मंद शरीर को स्पर्श करता है और अगर ये साकार शरीर नहीं होता तो निराकार पवन का ज्ञान कर पाते। यानी अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप हमें जानना है हमें जागना है हम कौन है हुआ रहे माई हमारे कर्म क्या है हमारा दायित्व क्या है। हमने जिस दिन जन्म लिया प्रथम ऋण माता पिता का चढ़ गया दूसरा ऋण गुरु का चढ़ गया समाज का भगवान का चढ़ गया और तीसरा समाज का चढ़ गया। दुनिया में आप जीतना चाहते हैं लेकिन एक जगह ऐसी है जहां हारने का इंतजार करते हैं। हर पिता हर मां अपने पुत्र से अपनी पुत्री से अपेक्षा करती है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आइडेंटिटी थी कि डॉक्टर बी एन मिश्रा के सुपुत्र डॉक्टर एस पी मिश्रा लेकिन अब उल्टा हो गया। अब लोग बोलते हैं आचार्य श्री 1008 महामंडलेश्वर के पिता बी एन मिश्रा ये आइडेंटिटी हर बच्चे में आनी चाहिए कि उसके नाम से उसके माँ बाप की पहचान हो। यहां पुत्र से पिता हारना चाहता है। जब लोग कहें कि भाई पिता तो ऐसा था लेकिन पुत्र उससे भी अच्छा परोपकारी परमार्थी सदाचारी आज्ञाकारी निकल गया गुरु शिष्य से यही अपेक्षा रखता है। हमें ये सब जीवन में उतारना चाहिए अगर नहीं उतारेंगे तो फिर मनोरंजन के सिवाय भागवत में और कुछ है नहीं। पुत्री का जो जीवन है मदर इज लाइफ पिलर ऑफ द डॉटर माँ अपनी बेटी की लाइफ पिलर होती है उसको केयर करना होता है। एक समय था हमें अच्छी तरीके से स्मरण है शाम का प्रहर आया माँ सबको एक साथ बैठा के भोजन कराती थी और हर बच्चे को चेहरे को देखकर समझ जाती थी कि इसको क्या पीड़ा है। अब जमाना बदल गया शेखावत साहब आमने सामने टेबल पे होते हैं
बात मोबाइल से करते हैं, SMS चलते हैं। कितने विदीर्ण हो गए हम। इसलिए भागवत में आए तो ये सेवन करेंगे, ये मेरा निवेदन है। और परमात्मा की बात करें तो कौन है परमात्मा के बारे में चर्चा करने वाला। अंतिम गति में परमात्मा ज्योतिर्मय सूक्ष्म बिंदु है और बार बार भक्तों की इच्छा अनुसार अनेक स्वरूपों में अवतार लिया है। अवतार लेने का उद्देश्य जगत कल्याण है। पूरी सृष्टि में प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। और जिनकी हम उपासना करते हैं ये हमारी कल्पना है, ये हमारे भाव है। बाकी अंतिम में अगर देखा जाए तो परमात्मा का स्वरूप है कि कोटि मनोज लजावन हारे। परमात्मा का जो स्वरूप है कोटि मनोज लजावन हारे, यानी कोटि यानी सहस्त्र कोटि, दसो हजार करोड़ों कामदेव की भी सुंदरता उनके आगे फीकी पड़ जाएगी। और सहस्त्र कोटि सूर्य के प्रकाश भी उनके आगे छीन हो जाएंगे। वो दृष्टा है, आपकी दृष्टि में नहीं आ सकता। और जिस दिन हमने जन्म लिया, हम मां के नाभि कुंड से अलग किए गए, उसी दिनों परमात्मा कह देता है कि अब मुझे दर्शन करना है, मुझे चाहना है तो अंतः दृष्टि से देख सकता, वाह दृष्टि से नहीं। अनुभूति लेनी है, अनुभव करना है, आभास करना है। कैसे? जैसे दाहिनी आंख ने बाईं आंख को कभी नहीं देखा, देखा क्या? दाहिनी आंख बाईं आंख को देखती, बाईं दाईं को देखती क्या? लेकिन साथ में सोती है, खुशी हो या गम इजहार साथ में करती है। ऐसे परमात्मा अदृश्य भले हैं, आपके अंदर समाहित है परमात्मा, होने का आभास करो तो बहुत सिंध उतर जाओ। है ना कोई अपार सत्ता जो सृष्टि को चला रही है? हा? लेकिन हम उसमें लिप्त तो हो जाए, हम उसको, अब लोग भगवान को जानने की चेष्टा करते हैं। परमात्मा मानने की वस्तु है, जानने की वस्तु यह संसार है। संसार को जानो और परमात्मा को मानो। वही आत्मा गुनी जो अरे वही आत्मा गुनी जो परमात्मा को माने।